हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अनिकेत पाठक आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वाली क्लास में हम लोगों ने अध्याय 2 का जो है थ्योरी पोर्शन पूरे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी में दिए गए न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, तो हम आपके टाइम को ना लेते हुए, आपके टाइम को नुकसान ना करते हुए, चलिए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, तो एनसीईआरटी का सबसे पहला क्वेश्चन है, 5×10⁻⁸ कूलाम तथा -3×10⁻⁸ कूलाम के दो आवेश को 16 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखाखंड के किस बिंदु पर विभव शून्य हो गया? तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मानते हैं कि जो दो आवेश दिए गए हैं वो दो आवेश ऐसे कुछ हैं, इस प्रकार हैं। एक ए है, क्या है प्यारे बच्चों? ए है। ये कोई बी है, क्या है प्यारे बच्चों? बी है। ए पर कोई आवेश है, Q1 है, ठीक। और बी पर आवेश क्या है? Q2 है। प्यारे बच्चों, सवाल में दे के रखा है कि Q1 का मान 5×10⁻⁸ कूलाम है और Q2 का मान क्या है? -3×10⁻⁸ कूलाम है। डियर स्टूडेंट, ये Q1 और Q2 के मान दिए गए हैं। बीच की दूरी क्या है? 16 सेंटीमीटर है। बीच की दूरी क्या है प्यारे बच्चों? 16 सेंटीमीटर है। R बराबर क्या दे के रखा है? 16 सेंटीमीटर। पूछ रहा है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव का मान शून्य होगा? तो डियर स्टूडेंट, हम मान लेते हैं वो बिंदु C है जिस पे विभव क्या है? शून्य है। मान लेते हैं वो बिंदु क्या है? C है जिस पे विभव क्या है? शून्य है। और C की दूरी B से कितना है? x मीटर है। मान लेते हैं वो x मीटर की दूरी पर था, तो ये बची दूरी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 16 - x हो जाएगा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? 16 - x हो जाएगी। तो प्यारे बच्चों, अब हम क्या करते हैं? सबसे पहले क्या करते हैं? Q1 के कारण C पर विभव निकालते हैं। प्यारे बच्चों, तो क्या लिखेंगे? Q1 आवेश के कारण C पर विभव। तो विभव का फार्मूला हम लगाएंगे, क्या पढ़े थे? V बराबर 1/4πε₀ Q, तो यहाँ Q1 हो जाएगा, बटे बीच की दूरी। तो डियर स्टूडेंट, बीच की दूरी AC है और जो विभव है वो VA है। इस पूरे का मान कितना होता है? 9×10⁻⁹ Q1। Q1 का मान प्यारे बच्चों कितना दिया गया है? 5×10⁻⁸। और AC कितना है प्यारे बच्चों? 16 - x है। ये किसके मान आ गए प्यारे बच्चों? VA का मान आ गया। तो ये समीकरण नंबर आप क्या बना लिए? 1 बना लिए। अब क्या लिखेंगे? Q2 के कारण C पर विभव। Q2 के कारण C पर विभव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? VB बराबर 1/4πε₀ आवेश Q2 हो जाएंगे, बीच की दूरी प्यारे बच्चों B और क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इनका मान क्या होता है? 9×10⁻⁹ होते हैं। और Q2 का मान आप देखिए कितना है? माइनस, तो -3×10⁻⁸ होते हैं। प्यारे बच्चों, BC कितना है? x है। समीकरण नंबर क्या बना लिए? 2। ये VB का मान आ गया। तो लिखते हैं, हमने पढ़ा माना है कि वो बिंदु जो C है उस पर विभव क्या है? शून्य है। तो C पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा? C पर परिणामी विभव, तो लिखते हैं C पर परिणामी विभव VA प्लस VB बराबर क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। प्यारे बच्चों, VA का मान समीकरण 1 से रख लेते हैं, तो VA का मान है 9×10⁻⁹। फिर क्या है प्यारे बच्चों? 5×10⁻⁸ है। फिर क्या है बच्चों? 16 - x है, ठीक डियर स्टूडेंट, प्लस VB। तो VB का मान यहाँ माइनस है, तो हम लोग पहले माइनस रख लेते हैं प्यारे बच्चों। फिर क्या है यहाँ पर? 9×10⁻⁹ कितना है? 9 है प्यारे बच्चों। फिर क्या है? 3×10⁻⁸ है डियर स्टूडेंट, बटे कितना है? x है। तो देखिए कुछ कॉमन है डियर स्टूडेंट। सबसे पहला कॉमन क्या है? 9×10⁻⁹ दोनों में है। फिर क्या कॉमन है? 10⁻⁸ कॉमन है, 10⁻⁸। तो क्या बचा प्यारे बच्चों? यहाँ पर 5 बचा है केवल, बटे क्या बचा है? 16 - x बचे हैं और यहाँ माइनस है। तो बताओ प्यारे बच्चों, यहाँ कितना बचा है? 3/x बचा है और बराबर क्या था? परिणामी विभव 0। तो प्यारे बच्चों, इस पक्ष का अगर हम इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये पूरा पक्ष 0 हो जाएगा। तो 5/16 - x
तीन बटे एक्स हो गए, बराबर क्या हो गया जीरो। आप इनका मल्टीप्लाई इनसे कर दीजिएगा, या तो हम क्या करते हैं इनको हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम लोगे तो 16 माइनस एक्स और एक्स आ जाएंगे, इनका मल्टीप्लाई यहाँ कर देंगे 5x आ जाएगा, इनका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो प्यारे बच्चों माइनस तीन का मल्टीप्लाई इससे करोगे प्लस 3x हो जाएंगे, इनका करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस 48 बराबर जीरो बटे क्या कर देंगे एक। प्यारे बच्चों इनका मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो ये पूरा पक्ष जीरो हो जाएंगे। पाँच तीन कितना हो गया प्यारे बच्चों 8x हो गए, माइनस 48 बराबर जीरो, 48 को उधर लेके जाओगे क्या हो जाएगा प्लस 48, 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48, एक्स बराबर क्या आ गए 6 आ गए। यानी प्यारे बच्चों वो जो है जो बिंदु C है वो B से 6 मीटर की दूरी पर है, कहाँ पर है 6 मीटर की दूरी पर, या हम कह सकते हैं 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर विभव क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों A से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और B से उसकी दूरी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार ही आपका पहला सवाल समाप्त होता है। आप इसको नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, क्या कह रहा है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखटभुज है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों हम जान लेते हैं समखटभुज क्या होता है। तो समखटभुज वो होते हैं खटभुज वो जिसमें 6 भुजाएं होती हैं, और सम मतलब होता है समान भुजाओं वाला एक खटभुज। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं, खटभुज बनाते हैं जिनमें हमको क्या दिखाना है 6 भुजा दिखाना है, क्या दिखाना है 6 भुजा। तो ये ऐसे कुछ बना दे तो हम लोग 6 भुजाएँ हो जाएंगी। आइए देखते हैं प्यारे बच्चों, एक भुजा हो गया, दो भुजा हो गया, तीन, फिर चार, फिर ये 5 हो गए, फिर ये 6 हो गए। ठीक प्यारे बच्चों ये कोई समखटभुज हो गए। अब क्या कर रहा है, ये इसका मध्य बिंदु O हो गए, ये A हो गए, ये B हो गए, ये C हो गए, ये D हो गए, ये E हो गए, ये क्या हो गए F हो गए प्यारे बच्चों। अब वो कह रहे हैं कि प्रत्येक शीर्ष पे 5 माइक्रो कूलाम आवेश है, यानी इस पे भी 5 माइक्रो कूलाम आवेश है, इस पे भी 5 माइक्रो कूलाम आवेश है, इस पे भी क्या है इस पर भी 5 माइक्रो कूलाम आवेश है, और इस पर भी 5 माइक्रो कूलाम आवेश है, इस पर भी 5 माइक्रो कूलाम आवेश है, और इस पर भी क्या है 5 माइक्रो कूलाम आवेश है। तो प्यारे बच्चों आगे सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है खटभुज के केंद्र पर परिणामी विभव क्या होगा, यानी ओ पर ज्ञात करना। तो प्यारे बच्चों ये ध्यान समझिएगा, विभव कौन सी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो ओ पर जो है जितना एक भुजा के कारण विभव होगा, यानी प्यारे बच्चों ए बी के कारण जितना विभव होगा उतना बी सी के कारण, उतना सी डी के कारण, उतना ई डी के कारण, उतना ई एफ के कारण, उतना ए एफ के कारण। मैंने क्या बताया बच्चों, ए बी के कारण जितना विभव ओ पे लगेगा उतना ही सबके कारण लगेगा। तो पूरे भुजाओं की संख्या कितनी है 6 है। तो लिखेंगे क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, खटभुज के प्रत्येक शीर्षों द्वारा सम खटभुज के प्रत्येक शीर्षों द्वारा, प्रत्येक शीर्षों द्वारा केंद्र पर लगने वाला, या केंद्र पर परिणामी विभव, केंद्र पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, कितने हैं V बराबर एक के कारण विभव 6 गुणे एक भुजा के कारण विभव, 6 गुणे ए बी के कारण उत्पन्न विभव, ए बी के कारण उत्पन्न विभव। तो प्यारे बच्चों जरा सा समझिएगा, अब ए बी के कारण जो विभव होगा वो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4πε0Q क्या हो जाएगा ए बी, यानी समखटभुज के भुजाओं के बीच की दूरी। तो प्यारे बच्चों चलिए 6 गुणे इनका मान होता है 9 × 10⁻⁹, क्यू का मान 5 माइक्रो कूलाम है तो कूलाम में चेंज कर देंगे 5 × 10⁻⁶, और जो आपके समखटभुज हैं उनकी जो भुजाएं हैं वो पहले से दे के रखा है 10 सेंटीमीटर है, कितनी है प्यारे बच्चों 10 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में चेंज कर देंगे 10⁻²⁰ मीटर हो जाएंगे, ये इनसे इनसे कट जाएंगे, यहाँ 2 ठुकर जाएगा, यहाँ 4 बचेगा, और 1 10 यहाँ से काट देंगे तो यहाँ 8 बचेगा। तो कितने आ गए 6 × 9 × 5 आ गए प्यारे बच्चों, यहाँ 10⁸
और यहाँ 10^-4। यारे बच्चों गुणा कर देते हैं, तो गुणा उड़ा करने के बाद जब आप हल करके पाओगे तो हल करने के बाद आपको मिलेंगे 27 × क्या प्यारे बच्चों क्या मिल जाएगा, 7। देखिए फिर से करते हैं, कर लीजिएगा, 9×5 = 45 और 45 × 6 तो 45 × 6 करोगे तो 6×5 = 30 और 6×4 = 24 और 24 × 3 कितने हो जाएंगे, 27। तो प्यारे बच्चों कितने आ जाएंगे, 270 × कितना आ जाएगा, 10^8 में से 4 घटा दोगे प्यारे बच्चों, 8 में से 4 घटा दोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, आपका आंसर आया है 2.7 × 10^6 वोल्ट। तो ये पॉइंट आपका जो यहाँ पर है, एक अंक दो अंक इधर ला देंगे तो 2.7 × 10^6 वोल्ट का क्या आएगा, विभव आएगा। इस प्रकार 6 आवेशों के कारण ऊपर लगने वाला विभव इस प्रकार हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे प्यारे बच्चों। इस प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ प्यारे बच्चों। तो एनसीईआरटी का जो तीसरा नंबर क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहा है, उसको आप पढ़ते हैं और आइए हम भी पढ़ लेते हैं। क्या करें प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर की दूर पर स्थित दो बिंदु ए और बी पर दो आवेश 2 μC और -2 μC है प्यारे बच्चों। कह रहा है निकाय के समविभव पृष्ठ की पहचान कीजिए, और दूसरा प्रश्न पूछा है इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होगा, जो प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होगी वो आपको बताना पड़ेगा, वो किधर होगा प्यारे बच्चों। ठीक प्यारे बच्चों, आइए हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर की दूरी पर, क्या प्यारे बच्चों, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु आवेश है, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु हैं, एक बिंदु ए है, एक बिंदु क्या है, बी है। ए पर आवेश कितना है प्यारे बच्चों, ए पर 2 μC आवेश है, ए पर क्या है, क्यू ए बराबर 2 μC है, और यहाँ क्यू बी बराबर कितना है, -2 μC प्यारे बच्चों। आगे समझिएगा कह रहा है निकाय के समविभव की क्या करना है, पहचान करना है प्यारे बच्चों। क्या करना है, निकाय के समविभव पृष्ठ का क्या करना है, पहचान करना है। तो प्यारे बच्चों समविभव पृष्ठ वो होता है कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर ही परिणामी विभव क्या होगा, शून्य होगा। अतः परिणामी विभव पे खींचा गया पृष्ठ ही समविभव पृष्ठ होगा। तो प्यारे बच्चों मान लेते हैं, माना वो बिंदु क्या है, सी है, जिस पर खींचा गया पृष्ठ क्या कहलाएगा, समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो लिखेंगे पहले प्रश्न का जवाब, तो ए बी का मध्य बिंदु सी पर विभव मध्य बिंदु सी पर खींचा गया पृष्ठ ही संविभव पृष्ठ कहलाएगा। अतः सी पर परिणामी विभव। तो सी पर परिणामी विभव क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, वी ए और प्लस क्या आ जाएगा, वी बी। तो वी ए का मान कितना होता है प्यारे बच्चों, 1/4π ε0 क्यू, क्यू कितना है 2×10^-6 बटे बीच की दूरी, तो मध्य बिंदु है, बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक और 3 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक प्यारे बच्चों। तो 3×10^-2 हो जाएगा, मीटर बदलोगे, और वी बी तो माइनस है तो माइनस आगे आ जाएंगे, 1/4π ε0 क्यू, क्यू बी का मान कितना है प्यारे बच्चों, 2×10^-6 कहोगे यहाँ का माइनस तो माइनस यहाँ पर आ गए प्यारे बच्चों, और बीच की दूरी वही है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, देखिए जितना इधर प्लस में उधर माइनस में है, तो परिणामी विभव क्या हो जाएगा, 0। अतः सी पर वो सी ही वो बिंदु होगा जो संविभव पृष्ठ होगा प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन पूछा है
विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की दिशा लंबवत ऊपर की तरफ होगी। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे? विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के लंबवत ऊपर की तरफ होगी, लंबवत ऊपर की तरफ होगी। तो प्यारे बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी समाप्त हो जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका जो इसको मूव कर लेते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे उसको भी देख लेते हैं, उसका भी डिस्कशन हो जाता है आज की क्लास में। चौथा क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोली चालक के पृष्ठ पर 12 सेंटीमीटर एक गोली चालक है। तो प्यारे बच्चों, एक गोली चालक बना लेंगे जिसकी त्रिज्या कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। कितनी है प्यारे बच्चों? 12 सेंटीमीटर है। और इस पे कोई आवेश है, इस प्रकार आवेश फैले हुए हैं। अब आगे समझिए प्यारे बच्चों, आगे क्या कर रहे हैं कि कोई केंद्र ओ हो गया, ठीक। अब कह रहे हैं कि जिस पर पृष्ठ पर 1.6×10⁻⁷ का आवेश एक समान रूप से फैला हुआ है, तो Q का मान दिया है प्यारे बच्चों 1.6×10⁻⁷ कूलम, और R जो दिया है 12 सेंटीमीटर, बदल देंगे 12×10⁻²⁰ हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि 3 क्वेश्चन पुटअप किए गए हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। पहला, गोले के अंदर। दूसरा, गोले के पृष्ठ पर। उसके बाद फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों? गोले के पृष्ठ पर। और तीसरा पूछा है, गोले के केंद्र से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्यारे बच्चों, ये तो गोले के केंद्र से, तो आप मान लोगे गोले के केंद्र से वो बिंदु P है जो कि 18 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस पर क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग ज्ञात करते हैं, कहाँ ज्ञात करेंगे प्यारे बच्चों? गोले के अंदर। तो लिखेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे? पहला, चूँकि लिख देंगे गोले के अंदर आवेश Q बराबर क्या है? 0 है प्यारे बच्चों। गोले के अंदर आवेश Q बराबर 0 है, इसलिए क्या होगा प्यारे बच्चों? इसलिए गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र 0 होगा। क्या होगा प्यारे बच्चों? 0 होगा। इसका मतलब आप समझिए, क्यों हमने कहा 0 होगा? क्योंकि आप जानते हो E बराबर होता है 1/4πε₀ Q/r² प्यारे बच्चों। जब Q ही 0 हो जाएगा, गोले के अंदर आवेश है ही नहीं, क्योंकि जो आवेश है वो गोले के पृष्ठ के ऊपर फैला हुआ है। तो जब गोले के अंदर आवेश नहीं है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार आपका एक पहला नंबर सवाल कंप्लीट हो जाता है। दूसरा नंबर क्या कर रहा है प्यारे बच्चों? गोले के पृष्ठ पर। तो मानते हैं कि गोले के पृष्ठ पर कोई बिंदु क्या है? क्यू है। तो गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो डियर स्टूडेंट, आपने फार्मूला रखा है, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? E बराबर 1/4πε₀Q/r² तो प्यारे बच्चों, गोले के पृष्ठ की बात हुई तो यहाँ R कैपिटल हो जाएगा, क्योंकि गोले की त्रिज्या है वहाँ पर। इसका मान क्या होता है? 9×10⁻⁹ क्यू का मान आप देख रहे हो प्यारे बच्चों कितना है, 1.6×10⁻⁷ r² r कितना है प्यारे बच्चों? 12 सेंटीमीटर है। तो 12×10⁻²² का होल स्क्वायर कर देंगे प्यारे बच्चों। इनको हल करते हैं, 9×1.6
छः और नौ में से सात घटा दिए, दस घाते कितना आ गया, दो आ गया। यहाँ बारह का गुणा दो बार करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 144 आएगा, गुणे दस का दो दूनी चार, कितना आ गया प्यारे बच्चों, दस घाते माइनस चार। इनको ऊपर लेके जाओगे आप तो नौ गुणे देखिए सोलह के सोलह, सोलह नौइया 144, तो प्यारे बच्चों यहाँ कितना आ जाएगा। आप अगर ऐसे नहीं काटने में आपको दिक्कतें आती हैं तो आप ऐसे कर सकते हो, क्या करोगे प्यारे बच्चों, एक स्टेप और कीजिएगा, इस पॉइंट को काटिएगा, यहाँ 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 10 एक 10 को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। अब इसको ऊपर लेके जाओगे प्यारे बच्चों तो क्या होगा, वहाँ 9 गुणे 16 बचा है, गुणे यहाँ एक 10 कट चुका है और ये ऊपर गए तो 10 घाते 4 आ गए प्यारे बच्चों। नीचे कितना है, 144 है, कितना है प्यारे बच्चों, 144। 16 के 16, 16 नौ या 144, 9 के 9 एक कट गए पूरे रूप से, क्या आ गए, 4 एक 5, तो 1 गुणे 10 घाते 5 न्यूटन प्रति कूलाम आएगा उसके केंद्र पर। कहाँ पर आएंगे प्यारे बच्चों, केंद्र पर। अब हमको क्या करें, गोले से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो तीसरा पार्ट क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, गोले से 18 सेंटीमीटर दूरी पर, गोले से 18 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो प्यारे बच्चों वही फार्मूला हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे, इस बार आर मान लेते हैं, आर इसका है, तो प्यारे बच्चों आर का मान इस बार क्या दे दिया, 18 दे दिया है, तो इसका मान 9 गुणे 10 घाते 9, क्यू का मान तो वही है पुराना 1.6 गुणे 10 घाते माइनस 7, आर 18 गुणे 10 घाते माइनस 2। प्यारे बच्चों यहाँ 18 सेंटीमीटर दिया था तो इसलिए 18 रख दिए, ये 9 गुणे 10 घाते 9, ये आ गए 1.6। प्यारे बच्चों जरा सा शॉर्ट लगाते हैं हम लोग तो 1.6 लिखते हैं, 9 में से 7 घटा दिए, 10 घाते 2 आ गए, 18 गुणे 18 कर दिए प्यारे बच्चों और 10 घाते माइनस 4 आ गए। प्यारे बच्चों ये 10 घाते माइनस 4 ऊपर जाएंगे और यहाँ 9 गुणे और ये पॉइंट काट देंगे, यहाँ 10 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्या आ जाएंगे, यहाँ ये 16 आ गया, यहाँ 18 गुणे 18 आ गया प्यारे बच्चों, और यहाँ गुणे यहाँ कितना बचा है, 4 ऊपर गए कितने हो गए प्यारे बच्चों, 10 घाते 6 और एक नीचे 10 बचा, 1 10 से 1 10 कैंसिल हो जाएंगे और 16 नौइया 144 और 18 का मल्टीप्लाई 18 से करोगे प्यारे बच्चों, तो उम्मीद है या तो मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो तो काट दीजिए, 9 के 9 9 दूनी 18, 2 1 के 2 2 8 16, फिर प्यारे बच्चों 4 दूनी 8 9 दूनी 18, यानी 4/9 गुणे यहाँ से एक 10 कट गया, 10 घाते 5 बचा है प्यारे बच्चों। तो इसको भाग वोग दोगे तो भाग देने पर प्यारे बच्चों आ जाएंगे 4.4 गुणे 10 घाते 4 न्यूटन प्रति क्या आ जाएगा, कूलाम आ जाएगा प्यारे बच्चों। इस प्रकार गोले से आप दूरी पर, गोले के पृष्ठ पर, गोले के अंदर निकाल सकते हैं। तो ये आपका 4 नंबर सवाल था प्यारे बच्चों। चलिए प्यारे बच्चों पांचवा सवाल हम लोग देखते हैं, पांचवा सवाल आपका क्या कर रहा है, पांचवा सवाल आपसे कर रहा है प्यारे बच्चों, एक समांतर प्लेट जिसकी प्लेटों के बीच वायु है, तो कोई भी है प्यारे बच्चों, दो समांतर प्लेटें हैं जिसके बीच क्या है, वायु है। चलिए प्लेट का नाम पी और क्या रख दिए, क्यू रख दिए। आगे क्या कर रहे हैं कि तथा धारिता जो है 8 पिको फैरड है, धारिता प्यारे बच्चों धारिता सी बराबर 8 पिको फैरड है, ठीक, तो फैरड में बदलना चाहेंगे तो आप इनको फैरड में चेंज कर दोगे, क्या चेंज करोगे प्यारे बच्चों, 8 गुणे 10 घाते माइनस 12 फैरड हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे क्या कर रहा है, यदि प्लेटों के बीच की दूरी आधा कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, प्लेटों के बीच की दूरी जो डी है वो क्या कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो प्रश्नानुसार क्या प्यारे बच्चों, प्रश्नानुसार जो डी है वो डी बटे दो कर दिया जाए, तब क्या होगा, यदि इनके बीच के स्थान पे 6 परावैद्यतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए, कोई के परावैद्यतांक का क्या कर देते हैं, पदार्थ भर देते हैं इनके बीच में, यानी के बराबर क्या दे दिया गया, 6 दे दिया गया। आगे कह रहा है, आगे प्यारे बच्चों क्या कर रहा है, तो इसकी धारिता क्या होगी, तब इसकी धारिता सी डैश मान लेते हैं,
तब क्या होगी। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, जब प्लेटों के बीच का जो है, हम कहते हैं जब प्लेटों के बीच की दूरी d थी, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, जब प्लेटों के बीच की दूरी, जब प्लेटों के बीच की दूरी क्या थी, डी हो, तो धारिता, तो धारिता बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट अपान कितना होता है, डी होता है प्यारे बच्चों। अब ये हो गए समीकरण नंबर एक। अब दूसरी कंडीशन, जब डी बराबर क्या हो गया, डी बटे दो, और के बराबर छह परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भर दिया जाए, तब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो आप ध्यान से समझिएगा, तब क्या होगी, तब धारिता C डैश बराबर क्या होगा, फॉर्मूला जानते हैं आप लोग प्यारे बच्चों, के ए एप्सिलॉन नॉट डी, यहाँ आपको जो डी है वो क्या करना है, डी बटे दो रखना है। तो प्यारे बच्चों रख देते हैं, के ए एप्सिलॉन नॉट डी बटे क्या हो जाएगा, दो का मल्टीप्लाई ऊपर से, तो क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, दो के, दो ऊपर गए तो दो के लिख दे, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये आ गए सी डैश। तो प्यारे बच्चों जरा सा ध्यान दीजिए, ये समीकरण एक से आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसे हम लोग सी लिख सकते हैं, इसे क्या लिख सकते हैं, सी, देखिए सी बराबर क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट डी, तो समीकरण एक से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं। तो दो इंटू के इंटू कितना आ गया सी, दो के का मान कितना प्यारे बच्चों, छः है, सी का मान कितना है, देखिए सी का मान है 8 पिको फैरड, या 8 गुणे 10 घाते माइनस 12 फैरड, 8 छंग 48 दूनी 56, तो 56 गुणे 10 घाते माइनस 12 फैरड हो जाएगा। कब, जब आप कोई परावैद्युतांक पदार्थ भर देते हो और बीच की जो दूरी है वो क्या कर दोगे, आधी कर दोगे, तब के लिए प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों पर इसका तो जो आंसर आए हैं वो क्या आ रहे हैं प्यारे बच्चों, इसका आंसर आया है 96 आया है, क्या आया प्यारे बच्चों 96, तो क्या कहीं गलतियां हो रही हैं, 8 छंग 48, 48 दूनी कितना हो जाएगा 96, तो प्यारे बच्चों यहाँ आ जाएगा 96, ठीक, या आप 96 पिको फैरड भी लिख सकते हो। तो इस फार्मूले पर ऐसे सवालों को आप अभ्यास जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, क्योंकि इसी आधार पे कई प्रश्न बोर्ड के पेपर में पूछे गए हैं प्यारे बच्चों। अब हम लोग चलते हैं छठवें नंबर क्वेश्चन पे, तो पाँचवें सवाल को क्या कर लेते हैं, मूव कर देते हैं। छठवां सवाल क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 9 पिको फैरड धारिता वाले 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कोई 9 पिको धारिता की 3 संधारित्र है, एक संधारित्र ऐसे हो गए, कोई दूसरे संधारित्र ये हो गए, कोई तीसरे संधारित्र ये हो गए, इनको क्या कह रहे हैं ये लोग, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, किस क्रम में जोड़े हैं प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम, ये C1, ये C2, ये क्या हो गए C3, श्रेणी क्रम में जोड़े हैं। फिर आगे कर रहे हैं प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में जोड़कर 120 वोल्ट के संभरण से क्या कर दिया जाता है, सप्लाई कर दिया जाता है, इनको जो है 120 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाता है। तो पूछ रहा है इनकी भी 9 पिको फैरड है, इनकी भी 9 पिको फैरड, इनकी भी 9 पिको फैरड, आगे पूछ रहे हैं, सबसे पहला प्रश्न पूछा है प्यारे बच्चों, संयोजन की कुल धारिता क्या होगी प्यारे बच्चों, संयोजन की कुल धारिता क्या होगी, और साथ साथ में सबसे पहला क्वेश्चन पुटअप किया है संयोजन की कुल धारिता, ठीक प्यारे बच्चों, चलिए तो लिखेंगे, चूंकि C1 खुद बोल रहा है कि C1, C2 और C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं प्यारे बच्चों, इसलिए तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, तो तुल्य धारिता, तो श्रेणी क्रम में जुड़े लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, श्रेणी क्रम में जुड़े संधारितों का तुल्य धारिता, क्या प्यारे बच्चों, तुल्य धारिता क्या हो जाएगा, फार्मूला 1/C बराबर 1/C1, 1/C2, 1/C3, 1/C हो गए, 1/C1 का मान क्या है प्यारे बच्चों, 9 है, फिर ये भी 1/9, ये भी 1/9, हर बराबर है तो अंश जुड़ जाएंगे, 1, 1, 2, 1, 3, 3/9 आ गए, कैंसिल कर दिए तो 1/3 आ गया 1/C,
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे प्यारे बच्चों तो C बराबर आ गए 3 पिको फैरड। तो जो तुल्य धारिता थी वो ये आ गई। या आप इसी को क्या लिख सकते हो, 3×10^-12 फैरड ये भी लिखा जा सकता है। इसी में दूसरा प्रश्न पूछा है, दूसरा पार्ट पूछा है प्यारे बच्चों। दूसरा पार्ट क्या कर रहा है, यदि 120 वोल्ट के संभरण से सप्लाई कर दिया जाए तब प्रत्येक संधारित्र पर क्या विभवांतर होगा। तो प्यारे बच्चों यदि 120 वोल्ट के संभरण से, संभरण का मतलब बैटरी प्यारे बच्चों, संभरण से सप्लाई कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, सप्लाई कर दिया जाए तब आवेश क्या होगा। तो प्यारे बच्चों V का मान 120 वोल्ट दे दिए गए हैं प्यारे बच्चों। उसके बाद C आपने निकाल ही लिए हैं, 3×10^-12 फैरड। तब आवेश क्या हो जाएगा, आवेश क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा है आवेश बराबर होता है C × V। तो C का मान कितना है, 3×10^-12 और V का मान है 120 वोल्ट। तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो प्यारे बच्चों, तो 3 0 में 0, 3 × 2 = 6, 3 × 1 = 3 × 10^-12 1 2 2 अंक इधर ला दो तो 3.6 गुड़े प्यारे बच्चों कितने हो गए, 10^-10 हो गए। कितने हो गए प्यारे बच्चों, 10^-10। ये किसके मान आ गए, कुलाम के प्यारे बच्चों, ये किसके मान आ गए, कुलाम के, क्यू के मान। आपको क्यों नहीं ज्ञात करना है प्यारे बच्चों, आपको क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक प्लेट पर क्या ज्ञात करना है, आवेश ज्ञात करना है, सॉरी प्रत्येक संधारित्र पर। तो लिखेंगे प्यारे बच्चों C1 पर विभव, विभव पूछा है आवेश नहीं, C1 पर विभव। तो C1 पर विभव क्या हो जाएगा फार्मूला प्यारे बच्चों, आप जानते हो विभव का फार्मूला होता है V बराबर, ये ज्ञात करना है तो इनको इधर कर देंगे तो V बराबर हो जाएगा Q/C। तो Q/C नहीं, Q/C1। तो C1 का भी मान वही होगा प्यारे बच्चों, तो Q का मान कितना है, 3.6×10^-10 और C1 का मान कितना है प्यारे बच्चों, 9 है, कितना है, 9×10^-12 फैरड। अब प्यारे बच्चों इसको कैंसिल कर दोगे कितना हो जाएगा, 0.4 और ये ऊपर चले जाएंगे, कट जाएंगे और ऊपर चले जाएंगे प्यारे बच्चों 10^2 आ जाएगा। अब इस पॉइंट को आप इधर लेके चले जाइए तो कितना आ जाएगा, इस पॉइंट को इधर लेके जाओगे तो 1 पावर इसमें से कम हो जाएंगे तो 4 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो आपके जो आंसर आए हैं वो कितने आए हैं, 40 वोल्ट आए हैं। तो प्यारे समझिएगा प्यारे बच्चों, एक पॉइंट काटे 10 लग गए, 1 10 यहाँ से कट गए, 4×10 बच गए, बराबर कितना आ गया, 40 वोल्ट प्यारे बच्चों। ये सी किस पे विभव था, C1 पर। इसी प्रकार C2 पर भी विभव होगा, क्यों, C2 पर भी विभव निकाल लें तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, Q/C2। तो Q का मान कितना है, 3.6×10^-10 और C2 भी वही है, 9×10^-12। हल करोगे तो 40 वोल्ट आ जाएगा प्यारे बच्चों। इसी प्रकार आप C3 पर भी विभव निकाल सकते हो। तो प्यारे बच्चों इस प्रकार आपका जो 6वां नंबर क्वेश्चन है वो समाप्त होता है। और आगे के जो न्यूमेरिकल के पोर्शन है प्यारे बच्चों, इसका जो अधूरा पार्ट बचा है वो हम लोग अगले की क्लास में बता देंगे। और प्यारे बच्चों आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। धन्यवाद प्यारे बच्चों।